इंस्टाग्राम ब्यूटीफुल स्टोरीज आइडिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम पे जैसे कि अपनी न्यू पोस्ट को अलग ही लेवल पे, अलग ही स्वेग पे अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि अलग एक न्यू ट्रेंडिंग लुक देना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इंस्टाग्राम पोस्ट अपलोड करते हैं, अपनी न्यू पोस्ट आती है, तो आप भी कैसे इंस्टाग्राम पे एक अलग ही लेवल पे स्टोरी अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान सा तरीका दिखाऊंगा जिससे आप अलग अलग लेवल पे एक अपनी स्टोरी को भी अलग तरीके से अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए आपको इंस्टाग्राम में आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, आपको जाना है योर स्टोरी के ऑप्शन में। तो आप इस तरीके से लेफ्ट साइड की ओर स्क्रॉल करोगे दोस्तों, तो आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डबल ए का, ठीक है। डबल ए में आपको मिलेगा क्रिएट का ऑप्शन, देख सकते हैं। डबल ए में आप एक बार टैप करोगे दोस्तों तो आपको सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, डबल यहाँ पर आप देख सकते हैं टैप टू टाइप, ठीक है। तो आपको इस पर टैप टू टाइप पर आपको बीच में स्क्रीन पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। हाँ, इतना कर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। और फिर आपको नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप चॉइस करना चाहते हो, यहाँ पे इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मार्क किया है। यहाँ पर आपको एक गोला टाइप दिख रहा होगा, इस पर आप एक बार क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका कलर चेंज होता जाएगा और आप जो भी कलर रखना चाहते हो आपका कलर इस तरीके से रह जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली फिलहाल के लिए एक कलर ले लेता हूँ, तो इसका बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे देखिए इमोजी टाइप आपको दिख रहा होगा दोस्तों, तो इस इमोजी पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। इमोजी पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप अपनी पोस्ट पे जैसे कि कोई भी स्टोरी अपलोड कर रहे हो तो आप चाहते हो कि बहुत सारे फ़ोटो मैं यहाँ पर एक ही साथ ले सकूँ, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा उसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर आप इंस्टाग्राम अगर आपने अपडेट किया हुआ है दोस्तों तो ये ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने गलती से इंस्टाग्राम अपडेट नहीं किया तो इंस्टाग्राम को अपडेट कर लीजिए, ये ऑप्शन आपको भी मिल जाएगा अगर नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। तो आपको ये प्लस का आइकन पर क्लिक करना है दोस्तों, और ये क्या करेगा, आपकी गैलरी के ऊपर शो हो जाएगा कि तो आपकी गैलरी में लेके आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो भी पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं एक दो पोस्ट यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे। और दोस्तों आप चाहते हो कि अब मैं एक फ़ोटो और ले आऊँ तो आपकी मर्ज़ी है कि जितनी भी पोस्ट आप यहाँ पे जैसे कि ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे दो पोस्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो दो पोस्ट ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे यहाँ पर इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको दो पोस्ट ऐड हो गई, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आप नीचे के और कुछ भी अलग लगाना चाहते हो तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे टच करना है, और आप टच करोगे स्क्रीन पे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे कि हम एक डॉट टाइप करेंगे, फिर आपको यहाँ पे गैप देते जाना है, ये आप जैसे कि बीच में गैप देते हो किसी शब्द का, तो इस तरीके से आपको गैप दे देना है दोस्तों। फिर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पर डन कर लेना है, वो डन करोगे दोस्तों तो आपको ध्यान में रखना है ये टेप हमने लिया था ये डॉट टाइप ये ऊपर आना चाहिए दोस्तों। तो सिंपली इसको ऊपर की साइड ले लेंगे, और फिर यहाँ पर आपको इस पोस्ट के नीचे आप जितना चाहो जैसे कि उतना ही आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। तो सिंपली हम फिलहाल के लिए इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। और इतना लेने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, ये ले लेना है, और फिर आपको दिख रहा होगा जैसे कि इस पोस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पोस्ट पर आप एक बार टैप करोगे तो दोस्तों इससे इसका बैकग्राउंड चला जाएगा और ये इस तरीके से इतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको और भी ले लेना है इस तरीके से डॉट, और फिर इस तरीके से आपको गैप ले लेना है, और उसी तरीके से आपको फिर से इसको कर देना है, ठीक है। तो हम ले लेंगे एक और फिर इसको इस तरीके से करेंगे, और इसको भी हम इस तरीके से बैकग्राउंड में गायब कर देंगे। तो फिर हम एक और ले लेंगे, तो दोस्तों इतना सा कर लेना आपको। फिर आप चाहते हो कि जैसे कि मैं इसके नीचे कुछ अलग सा ऐड करना चाहते हो, आप जैसे कि एक बल्ब टाइप लगाना चाहते हो, तो बल्ब टाइप लगाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये इमोजी के पास में ये ऑप्शन दिख रहा होगा तो ये सांप टाइप, तो इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। और इस पर आप एक बार क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने ये बहुत सारी पेंसिल के आइकॉन आ जाएंगे, तो इसमें से आपको ये बीच वाला ऑप्शन दिख रहा होगा तो इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। और इस पर आप एक बार क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर
इस तरीके से नीचे कलर वगैरह के ऑप्शन आ जाएंगे दोस्तों। अगर आप कलर जो मन चाहो कलर यहाँ पे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। फिर आपको यहाँ पे एक डॉट टाइप लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके लट्टू टाइप हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अलग अलग कलर से अलग अलग आप कर सकते हो और ये अलग ही लेवल में आपको अलग ही लुक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने ये कर लिया है और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि इसको डन कर देना है, राइट कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, एक और यहाँ पर लिख लेना है, जैसे आपको न्यू पोस्ट, ठीक है। तो न्यू आपने ये लिख लिया दोस्तों। फिर आपको यहाँ पर ये लगा लेना है, यहाँ पर आपको लिखना है पोस्ट, ठीक है। न्यू पोस्ट आपने ये लिख लिया और इसको पास में ऐड कर देंगे दोस्तों। और फिर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। अगर आप अलग अलग कुछ अलग सा कुछ इस पोस्ट में और करना चाहते हो तो यहाँ पर आप सॉन्ग भी ऐड करना चाहते हो तो सॉन्ग यहाँ से ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर आप जैसे कि कुछ भी बटरफ्लाई वगैरह और कुछ भी लेना चाहते हो ये तो यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं न्यू पोस्ट, सर्च कर लेते हैं। जैसे कि इसमें कुछ अलग सा आपको दिख जाए तो यहाँ पर आपको वो भी ऐड कर लेंगे ताकि ये पोस्ट अलग ही लेवल पे दिखने लग जाए, ठीक है। तो सिंपली फिलहाल के हम ये ले लेते हैं और ये इस तरीके से हम ऐड कर देंगे दोस्तों। और फिर आपको यहाँ पे जैसे कि ये हमारा जैसे कि बटरफ्लाई बटरफ्लाई भी ऐड कर देते हैं यहाँ पर जैसे कि। सो गाइस, हमने जैसे कि यहाँ पर सर्च कर लिया बटरफ्लाई, ठीक है। तो जैसे कि बटरफ्लाई हम रहने देते हैं ये कुछ अलग, ठीक है। बटरफ्लाई इतना सर्च करके आपको यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी बटरफ्लाई यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कुछ जैसे कि आपको जो भी अच्छी लग रही है वो बटरफ्लाई यहाँ से ले लेनी है। जैसे कि फिलहाल के लिए हम ये ले लेते हैं और इसे भी हम इस तरीके से ऐड कर देंगे यहाँ पर और इसे छोटा कर लेंगे इस तरीके से और फिर इसको डन कर देंगे। तो दोस्तों हमारी पोस्ट न्यू पोस्ट इस तरीके से रेडी हो चुकी है। उसका बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहो तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो वाकई में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद वंदे मातरम।